ये तो नरम नरम बाल, वही मैं कह रही हूँ, थोड़ा लुक भी चेंज हो गया ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा। तो पहले आपने बिफोर गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे और आपके दुआ से मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे मैं कहाँ आई हूँ, शायद आपको बैकग्राउंड देख के कुछ समझ आ रहा होगा, कुछ नहीं आ रहा होगा, लेकिन खैर मैं तो पहली दफ़ा आई हूँ इसलिए किसी को नहीं आ रहा होगा समझ मेरे ख्याल से। तो मैं आज आई हूँ प्रमोडिंग करवाने बालों की, ठीक है? तो दिखाते हैं, बाद में बताएंगे कि कौन है और किससे करवा रहे हैं और मिलवाएंगे भी ज़रूर। तो चले फिर हमारे साथ साथ रहेगा और देखते हैं फिर बालों में कैसे शाइनिंग आती है और कैसा लुक आता है, एक नया लुक आज मिलने वाला है मुझे। तो बाकी साथ साथ ही रहिएगा, दिखाते रहेंगे आपको। इस यहाँ पे मेरे बालों को ये लग चुकी है, क्या कहते हैं इसको जोया, रिमोंडिंग, मतलब वो जो लगाना था मरोंडिंग का सामान है ना, भूल गया मैं, मरोंडिंग, हाँ रिमोंडिंग, हाँ तो वो लग चुकी है। और देखे मेरे मतलब बिल्कुल ही सीधे करके बिठा दिए बाल ना अभी, तो वैसे कह रहे हैं कि अभी आपको धोने नहीं है, 3 दिन तक आपको ऐसे ही रहना है। और देखते हैं फिर बाकी ये चीज़ें वीज़ें रखी हैं, चाय पी है हम लोगों ने, और यहाँ देखें ये भी कलर भी रखा हुआ है वो करके। तो चलें फिर मिल दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में क्या लुक आता है बालों का। हाँ पर पहला वॉश हो चुका है शकीला का, अभी ड्राई करना है और उसके बाद हम इसका आयरन करेंगे, उसके बाद न्यूट्रलाइजर लगेगा, फिर उसके बाद फाइनल आयरन होगा बस। अच्छा चलो आप हमारे साथ साथ ही रहिएगा, देखते हैं और क्या लुक आता है आपका। आप खुश है, एक्साइटेड है? हाँ अच्छा, देखने के लिए लुक। अच्छा सही है, व्यूअर्स भी वो है, व्यूअर्स तो देखना चाह रहे कैसी लग रही है। हाँ सही कह रहे हैं, हो सकता है कि लुक चेंज हो जाए। क्रीम ऐड कर दी है, ये देखें न्यूट्रलाइजर हम लोगों ने मतलब ऐड कर दिया। कितनी देर लगा रहना चाहिए इसको? 30 मिनट तक हम लगाएंगे, क्योंकि 30 मिनट से वर्जन बाल है, थोड़े ज़्यादा है वह, आप इनके मतलब थोड़े ज़्यादा बाल हैं और इसलिए। और ये देखें, और आप हमारे साथ साथ ही रहिएगा, और जिसको करवाना हो यहाँ आ सकता है ना। हाँ आ सकता है। गाइस 1 घंटे से ज़्यादा होने वाला है और हम लोग कर रहे हैं इसका वेट, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर चिपकू लग रही हूँ मैं, मेरी सिस्टर छोटी कह रही चिपकू लग रही हो आप, तो क्या ऐसा ही है? वैसे इसका फाइनल लुक जब आएगा ना, कभी मैंने मांग चीर निकाला नहीं ना, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन जब वो मतलब वॉश वगैरह होंगे तो साइड पफ होगा ना, फिर अच्छा लगेगा, है ना? किया भी नहीं है, किया भी नहीं है तो पहली दफा तो किया है, तो हम लोगों ने कभी मांग चीर निकाला नहीं है ना, तो अजीब सा लगता है थोड़ा, ऊपर से आईब्रो भी बड़े हुए हैं उसकी वजह से, और भी फेस ऐसे लग रहा है जैसे कितना बड़ा शेर का फेस है। तो खैर कोई बात नहीं, तो साथ साथ रहिएगा, बाकी आखिरी लुक आपको जरूर दिखाएंगे कि कैसा लुक आया, ठीक है? फाइनल लुक वो है थोड़े से। यहाँ पे मैंने बाल अपने करवा लिए हैं वॉश और देखें वाकई चिपकू हो गया। मतलब वो होता है ना, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वो तो जैसे ड्राई होंगे और वो क्या कहते हैं स्ट्रेटन है ना, स्ट्रेटन होंगे तो उसके बाद जो लुक आएगा वो पता चलेगा कि कैसा आया, कैसा लुक है। तो बाकी तो खैर सही लग रहे हैं देखने में, देखो यहाँ से अच्छे लग रहे हैं। तो खैर ये तैयारियाँ हो रही हैं किसी फंक्शन के लिए, कौन से फंक्शन के लिए वो आप लोग जानते हैं। और तो यहाँ मेरे साथ आई थी मारिया भी, मैंने भी, और ये देखें मारिया के बालों में हुआ यहाँ पे बड़ा प्यारा कलर, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा, देखिए कितना जबरदस्त लग रहा है, कलर करवाया और हम दोनों ही आए थे। तो बाकी जो है ना मारिया ने जो कलर का सारा वीडियो अपने उसमें बनाया है, तो इसकी वजह से हम लोगों ने इतनी देर से मारिया से मिलवाया नहीं था आपको, तो अब मैंने आपको मिलवाया मारिया से, मैंने कहा कहीं ये पीछे ना रह जाए। तो चलें फिर देखते रहिएगा साथ साथ, क्योंकि अब इनको ड्राई करके फिर आप लोगों से मिलते हैं। यहाँ पर होने लगी अब ब्लीच है ना, मतलब बालों के साथ साथ मुंह का भी शेप आना चाहिए, शेप कह रही हूँ लुक आना चाहिए बाहर है ना, ताकि एक जैसा सब लग, वाइटिंग। तो देखते हैं फिर क्या रिजल्ट आता है। बिल्कुल जी गाइस यहाँ पर देखें, मैंने ना ब्लीच भी किया, मुंह धोया कैसा नीट हो गया मेरा, देख सकते हैं आप लोग। और इसका फाइनल लुक अभी नहीं आया, इसका फाइनल लुक मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी है ना। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि काफी टाइम हो गया है, तो निकलते हैं अभी। हाँ बस इसके अभी बस वो स्ट्रेट बाल होने हैं, उसके बाद आपको फाइनल लुक हम दिखाते हैं कैसा है। फाइनल लुक कहते हैं, ब्लीच किया चेहरा तो बहुत ही प्यारा आपका। थैंक यू।
और आप लोगों को एक चैनल पे जाना है जिसका नाम है जोया व्लॉग, है ना, जोया अरशद व्लॉग, ठीक है, उस पर अशरफ तो आप खुद ही बता देती ना इतनी देर से, जोया अशरफ व्लॉग उस पर जाना है और जाकर लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है लाजमी, ठीक है, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना है, और जिसको काम करवाना हो वो भी आ सकता है इनके पास, और मतलब काफ़ी मतलब पैकेज में काम होते हैं यहाँ पर, जैसे भी आप लोग बोलेंगे तो आपसे ज़रूर कोऑपरेट किया जाएगा, ठीक है, तो चलें फिर मिलते हैं आपको घर जाकर हम लोग। गाइस घर क्या जाना है, हम यहीं हैं, इतनी देर से घर जाने वाले थे लेकिन नहीं गए हम लोग घर ना, तो बाकी ये देखें कैसा लुक आया, अभी भी फाइनल नहीं है लेकिन देखें काफ़ी बेहतर लगने लग गए हैं पहले से, और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मेरे बाल, मुझे तो पसंद आए हैं, मारिया को भी बड़े पसंद आए हैं, तो बाकी इनका फाइनल लुक भी आपको दिखाते हैं, देखते रहिएगा, साथ साथ ही रहेगा, और जब तक फाइनल लुक नहीं दिखाएंगे हम आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, तो हमारे साथ साथ ही रहिएगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि किला वजी का फाइनल लुक हो गया है, ऑलरेडी आप देख सकते हैं फाइनल लुक, अब 3 दिन के बाद इनका यानी कि वॉश है, 3 दिन के बाद इनका लास्ट में आप वॉश करिएगा, इनके बाल बहुत ज़्यादा रफ गए थे तो हमने भी देखे इनको रिबॉन्डिंग, आपको कैसा लगा शिकला वजी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और मेरी वीडियो पे लाजमी जाया करें, जोया अशरफ ब्लॉग के नाम से मेरा हेयर एक्सटेंशन का वर्क है, तो अगर आप लोग एक्सटेंशन वगैरह अगर आप शिकला भाजी की रेफरेंस आएगी तो इंशाल्लाह 20% ऑफ भी आप लोग को दिया जाएगा। तो बाजी आप लोग आप क्या क्या काम कर लेती हैं आप? मैं हेयर लगाती हूँ यानी कि एक्सटेंशन का काम करती हूँ, ये वाले इंसानी बाल जैसे एक छिकला वाली के बाल ऐसे इंसान के बाल, और इसके अलावा आप और कुछ भी नहीं करती? नहीं, मेकअप है, कटिंग है, रिबॉन्डिंग है, डाई है, सब कुछ कर सकती हूँ, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। जी जी, ज़्यादातर जो आते हैं मेरे पास ज़्यादातर कस्टमर एक्सटेंशन की लाते, ये देखिए 6 महीने के बाद 4-5 महीने के बाद एक कस्टमर की रिफ्रेशन है, 5 महीने के बाद मैंने उनके बाल निकालेंगे, कस्टमर अंदर बैठे इंशाल्लाह, हाँ ये 5 महीने के बाद, ये आप देख सकते हैं इनकी क्वालिटी, अभी हमने कॉम भी नहीं किया, इंशाल्लाह कॉम भी करके आपको दिखाते हैं इनकी क्वालिटी, आप चेक करें। ये क्या चीज़ है, पीने लगी हुई? ये पीने हैं जो बाल इसके अंदर ही लगते हैं, ये वो चीज़ है, 5 महीने के बाद हमने रिफ्रेशिंग की। सही सही सही, तो चले फिर आज का हमारा व्लॉग यहीं तक था, तो आज का व्लॉग आप लोगों को अगर मेरा फेस पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है, तो मिलते हैं हम आपको अच्छे व्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।